बीते दिन जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद से पूरे राजस्थान में दहशत का माहौल है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी की सनसनीखेज हत्या के बाद से उनके समर्थकों में आक्रोश फैला हुआ है। पूरे राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के समर्थकों ने आज बंद का ऐलान कर दिया है और इस मामले में संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग उठाई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत अजमेरपुर, जोधपुर आदि शहरों में समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया जा चुका है। धोखा हुआ है, धोखे के साथ, विश्वासघात के साथ हत्या की गई सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की। और दुर्भाग्य इस बात का दुर्भाग्य है कि जब पता था कि उन्हें धमकियां मिल रही है तो सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं कराई गई। वो सारी बातें छोड़ो, गोली का जवाब गोली से हमने मांगा है भाई। जो हत्यारे हैं और उनके सूत्रधार हैं, उनका एनकाउंटर हो, ये मांग समाज कर रहा है तो हम भी उनके साथ ही खड़े हैं। क्योंकि गिरफ्तारियों से होगा क्या? फिर वो जेल से निकल जाएंगे, फिर हत्या को अंजाम देंगे और निष्पक्षता से जांच होगी तो सूत्रधार तक पहुंचा जा सकेगा और सूत्रधार का भी एनकाउंटर हो, ये मांग लेके आज समाज यहाँ बैठा है। और मुझे दुख इस बात का है कि सरकारें और जो राजकीय जो प्रशासन है वो अभी तक कहीं भी कोई हरकत में नहीं आ रहा। और सीसीटीवी फुटेज है इनके पास और इनके पास पूरी जांच एजेंसियां इंटेलिजेंस है, फिर क्यों अभी तक इन गिरफ्तारियों को अंजाम नहीं दिया जा सका? तो ये तो निश्चित है कि जब तक न्याय और अधिकार नहीं मिलेगा यहाँ से कोई उठने वाला नहीं है। ये तो शुरुआत है और यहाँ और बहुत ही संख्या में समाज इकट्ठा होगा और न्याय और अधिकार लेके। आपको बता दें कि हत्यारों ने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्यारों ने ताबड़तोड़ 17 राउंड फायर करके उन्हीं के ऑफिस में दो सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की।